हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जहांगीरी में। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर बना सकते हैं। जहाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल को जो है कंप्यूटर जैसा बना करके यूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप कंप्यूटर में एक साथ जो है दो या चार फाइल या ब्राउज़र ओपन करके यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप अपने मोबाइल में भी जितने चाहे उतने फाइल या ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं और उसे एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अभी तक चैनल टेक्निकल जहांगीरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके सपोर्ट से मैं और भी वीडियो बना सकूँ। तो समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है लीना डेस्कटॉप यूआई मल्टी विंडो। देख रहे हैं नीचे आ चुका है, हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ये मुझे ओपन के लिए बोल रहा है। आप यहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। बता दूं, इसके 1 मिलियन डाउनलोड से 4.3 की स्टार रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और इसकी इमेजेस देख लीजिए, इस तरीके से आप के सामने इसका स्क्रीन ओपन हो जाएगा जब आप ओपन करेंगे। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जो है पहले कुछ फ़ोटोज़ देख लीजिए, आप आकर के खुद भी देख सकते हैं। एक साथ देख रहे हैं कितने भी जो है फाइल या एप्लीकेशन या ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय ना लेते हुए चलिए इसे ओपन करते हैं। जब हम ओपन करेंगे तो दोस्तों, ओपन पर क्लिक करते देख रहे हैं इस तरीके से ओपन हो चुका है। मैं आपको बता दूं, इधर देखिए बहुत सारे डॉट डॉट है। सबसे पहले डॉट डॉट पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो है गैलरी आ जाएगी। ये देखिए, हमारी जितनी भी फाइल होगी जो है एप्लीकेशन सब यहाँ पर आ जाएगी, देख रहे हैं। उसके बाद इस ये जो है स्क्रीन, इसका थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देखने में छोटा लग रहा है इसलिए। तो यहाँ पे एक सेटिंग बना हुआ है, देखिए फाइल के बगल में। हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके आपको जो है बहुत सारे सेटिंग मिल जाएंगे। तो बीच वाला ये देखिए, स्क्रीन इस तरीके से बड़ा हो गया। इस पर करेंगे जो है मीडियम साइज़ होगा, इस पर जो है एकदम छोटा हो जाएगा। तो तीन तरीके का ए है, आप जितना चाहे इसकी जो है स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, देख रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो है आप यूज़ सिस्टम वॉलपेपर लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करके जो है वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जो है ये देखिए यूज़ सिस्टम वॉलपेपर, ये देख रहे हैं, यहाँ से वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। और इसमें आपको जो है बहुत सारे सिस्टम मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर साइज़ ऑन रोटेट भी कर सकते हैं। आप जैसे मोबाइल घुमाएंगे उस तरीके से स्क्रीन रोटेट होगी मतलब। और यहाँ पर देख रहे हैं डार्क थीम है, देखिए इससे तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, आप खुद भी जो है देख सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा मोबाइल जो है बिल्कुल सेम टू सेम पीसी जैसा, मतलब आपको समझ में आएगा जो है आप लैपटॉप या कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक साथ जो है कितने फाइल ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि चलिए मैं एक यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यूट्यूब ओपन हो चुका है। अब मैं कुछ और भी ओपन कर लेता हूँ, चलिए ट्विटर पर आ जाता हूँ। ये देखिए ट्विटर भी मेरा ऑन हो चुका है, देख रहे हैं। इसे जितना चाहे छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। अब जितने चाहे दोस्तों उतने जो है ब्राउज़र आप इस एप्लीकेशन की मदद से जो है एक साथ में जो है जितने चाहे उतने पेज ओपन कर सकते हैं, देख रहे हैं। ये देखिए, और इसे जहाँ चाहे वहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बाद जो है आप कट के निशान पर जो है क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, आप खुद जो है चेक करेंगे। बहुत ही इजी एप्लीकेशन है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ओपन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए ऊपर जो है बहुत सारे डॉट डॉट के निशान हैं, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सेटिंग आ जाएगी डेस्कटॉप की, समझ रहे हैं। और यहाँ पर बैटरी आपका शो कर रहा है, यहाँ से आप अपने जो है आवाज़ वॉल्यूम की आवाज़ जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपकी जितनी भी फाइल या ब्राउज़र या सेटिंग होगी यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं आ गई है। और यहाँ से आपकी मेन्यू है, ये देखिए डॉट डॉट का जो सब निशान है, यहाँ से आप इसकी स्क्रीन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो दोस्तों, बस ये मेरा छोटा सा वीडियो था सिर्फ बताना आपको कि कैसे जो है आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं या आप अपने मोबाइल को लैपटॉप जैसा यूज़ कर सकते हैं। आपको लैपटॉप या कंप्यूटर जैसा ही लगेगा आपको जो है अपने मोबाइल। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको इसकी कुछ और सेटिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए थ्री डॉट जो है सबसे लास्ट में ऊपर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ की जो है आपकी सेटिंग लॉन्चर की जितनी भी सेटिंग होगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं यूज़ सिस्टम वॉलपेपर पे जब क्लिक करूँगा तो ये वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। और एनिमेशन है, डार्क थीम है, स्क्रीन रोटेट है,
और मोबाइल वेब पेज से फीडबैक है, और यहाँ लास्ट में क्वाइट, मतलब आप एप्लीकेशन से बाहर भी हो सकते हैं, अपने मोबाइल के जो है सिस्टम में चले जाएंगे। क्वाइट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत अच्छी अच्छी सेटिंग्स है, आप अपने हिसाब से यूज़ करिए, आपको लगेगा कि आप जो है लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। आपको सारे फाइल इसमें जो है देखिए इस तरीके से आप जितने चाहे उतने सारे फाइल यूज़ कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये जो है, इसीलिए मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए और आपको पता चलनी चाहिए इस एप्लीकेशन की खास बात जो है। यहाँ से मैं इसे फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।